नमस्कार दोस्तों, ई कृष्णा चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के फंडामेंटल्स को समझ रहे थे, और आपको याद होगा तो हमने सिर्फ एस्ट्रिक ऑपरेटर की बात करी थी जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि एस्ट्रिक ऑपरेटर को हम पावर में यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का फंडामेंटल डिस्कस करने के लिए। हमने बताया था कि अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को पावर में यूज करते हैं तो किस तरह से उसको यूज करेंगे, वो हमने चेक किया था। उससे पहले हमने क्लीन क्लोजर और क्लीन प्लस से कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था, जिसमें बताया था कि पावर में अगर आप एस्ट्रिक यूज करते हो क्लीन में, या पावर में अगर आप प्लस यूज करते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बताया था कि सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि प्लस में पावर में एप्सिलॉन जब यूज करते हैं तो आप जितने भी स्ट्रिंग्स से डिजाइन कर रहे हो ऑल स्ट्रिंग्स, उसमें एप्सिलॉन नहीं आता है। तो उसी कंसेप्ट को हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में पढ़ाते हुए हमने एस्ट्रिक का यूज किया था पावर में। हमने एक एग्जाम्पल भी इसका देखा था। आज हम देखते हैं कि अगर एस्ट्रिक के अलावा पावर में अगर हम प्लस यूज करते तो क्या होगा, और साथ ही साथ प्लस का दूसरा क्या यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने फोर्थ एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम पे फोर्थ एग्जाम्पल में हमने ये बताया था कि अगर आपके पास जो लैंग्वेज है, अगर हम बात करें तो आपके पास अगर ये गिवन लैंग्वेज है व्हिच इज इक्वल टू AAA, तो मैंने बताया था कि अगर आप सिर्फ एस्ट्रिक का यूज जानते हैं तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये या ये बन सकता है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि अगर पावर, अगर आपको पावर और प्लस का यूज भी पता है तो इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन और बन सकता है, वो है आपके पास A to the power plus। मतलब क्योंकि पावर में जब आप प्लस यूज करते हो तो वो जीरो लेंथ को छोड़ के वन लेंथ, टू लेंथ, थ्री लेंथ एंड सो ऑन की बात करता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो देगा आपके पास रिजल्ट, वो देगा AA AAA एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ऐसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है अगर हम बात करें तो। मतलब A A star is equal to A star A is equal to A की पावर प्लस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कि हम प्लस का एक अनदर यूज हम चेक करने की कोशिश करते हैं आज के लेक्चर में, वो है अनदर यूज ऑफ प्लस ऑपरेटर। ठीक है, कि प्लस ऑपरेटर का आप दूसरा यूज क्या कर सकते हैं। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि देयर इज अनदर यूज ऑफ प्लस ऑपरेटर, और वो प्लस ऑपरेटर हम यूज करते हैं अगर हम, जैसे आप एडिशन करते हो आप मैथमेटिकली, उस तरह से अगर आप इसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अनदर यूज ऑफ प्लस ऑपरेटर। यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी चीज समझे तो हम ये कह रहे हैं कि अगर x कोई एक स्ट्रिंग है, x अगर आपके पास कोई एक स्ट्रिंग गिवन है और y कोई आपके पास एक अनदर स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं x स्ट्रिंग में प्लस करता हूं y स्ट्रिंग को, तो इसका आउटपुट निकल जाता है आइदर x और y। मतलब जो एलिमेंट्स होंगे उस लैंग्वेज में, या तो x के एलिमेंट्स होंगे, या x होगा एलिमेंट में, या फिर आपके पास y एलिमेंट होगा, अगर x को स्ट्रिंग हो y को स्ट्रिंग है। जैसे अगर हम बात करें, ये कहने का चाह रहे हैं कि जो प्लस ऑपरेटर है आपके पास चॉइस देता है, ये जो प्लस ऑपरेटर आप यूज करो दैट एक्ट एज अ चॉइस, ये आइदर दिस एक्स स्ट्रिंग कुड बी देयर और आइदर वाई स्ट्रिंग कुड बी देयर, देयर कुड नॉट बी द और देयर कैन नॉट बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज एक्स वाई, मतलब एक्स वाई इसका पार्ट नहीं हो सकता और वाई एक्स भी इसका पार्ट नहीं हो सकता। इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये इसके पार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, कंकैटिनेशन नहीं होगा, सिंपल x से y की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम सिंपल से एग्जांपल की हम बात करें कि मान लीजिए आपके पास कोई अल्फाबेट गिवन है A, B, ठीक है, इसे यूज कैसे हम देखते हैं वो देखते हैं। ठीक है, आपने कहा इस पे कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा है A plus B। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होगी, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी है तो ऑब्वियसली बात है कि जो इसकी लैंग्वेज होगी वो होगी आइदर ए और बी। मतलब ये एक तरह से हम बात करें
तो इस एग्जांपल के लिए एक फाइनाइट लाइन इंटीग्रल क्या आ रही है जिसमें दो ही वर्ड्स हैं, या तो ए है या आपके पास बी है, ठीक है। यह हम एक एग्जांपल की हम बात कर रहे थे। दूसरा एग्जांपल ऐसा आप सकते हो कि मान लीजिए मेरे को आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन होता, फॉर एग्जाम्पल ए बी एस्ट्रिक प्लस लेट्स से बी होता, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, तो फिर इसकी जो लैंग्वेज बनेगी वो बनेगी, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो एक्स की जगह पर आ रही है और ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके पास वाई की जगह पर आ रही है। तो आप इसको ये लैंग्वेज बनेगी, या तो उसमें ए बी एस्ट्रिक आएंगे एलिमेंट्स में, या फिर बी आएगा, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, मतलब आप कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और ए बी एस्ट्रिक को ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए ए बी ए डबल बी ए ट्रिपल बी एंड सो ऑन, और साथ में आपके पास ये बी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप फंडामेंटल समझ पा रहे होंगे कि जो प्लस ऑपरेटर होता है वो चॉइस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज आइदर एक्स और वाई, मतलब कि या तो आप एक्स के एलिमेंट्स रखेंगे अगर वो स्ट्रिंग एक्स को स्ट्रिंग में हो, क्या अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक्स को एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता, अगर एक्स को एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता, ठीक है, और वाई भी अपने आप में कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता, ठीक है। तो अगर मैं कोई नया रेगुलर एक्सप्रेशन निकालता जो इन दोनों को प्लस ऑपरेटर यूज करते, तो उसमें एलिमेंट होते आइदर एक्स के एलिमेंट और वाई के एलिमेंट, ये इसका मतलब है। मतलब ये आर वन प्लस आर टू, मतलब आइदर आर वन और आर टू की तरह ऐड करेगा। मेरे ख्याल में ये फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, बहुत इसमें ज़्यादा डिटेल समझ नहीं समझाने के लिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन उन्होंने लिया है, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज दिस, लैंग्वेज क्या है, ए सी ए बी सी बी ए डबल बी सी डबल बी ए ट्रिपल बी एंड सी ट्रिपल बी। इतना से देखिएगा, पहले सिंगल ए फिर सिंगल सी, फिर ए के साथ बी है, सी के साथ बी है, फिर ए के साथ दो बी हैं, फिर सी के साथ दो बी हैं, ए के साथ तीन बी हैं, सी के साथ तीन बी हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि अल्फाबेट क्या है। आप देखो कि यहाँ पे तीन सिंबल्स आ रहे हैं, एक ए आ रहा है, एक सी आ रहा है, एक बी आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप अल्फाबेट की हम बात करें तो इसका जो अल्फाबेट है वो है ए बी एंड सी, ठीक है। उसके बाद अगर आप लैंग्वेज को चेक करें तो आप नोटिस करोगे पहला वर्ड है ए सिंगल ए, दूसरा वर्ड है सिंगल सी, फिर वो कह रहे हैं कि या तो ए के साथ आप बी रख रहे हो या फिर सी के साथ बी रख रहे हो, या फिर ए के साथ आप डबल बी रख रहे हो, या सी के साथ आप डबल बी रख रहे हो, या फिर आप ए के साथ ट्रिपल बी रख रहे हो, या सी के साथ आप ट्रिपल बी रख रहे हो एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या डिफाइन करोगे, आपको इस क्वेश्चन का जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। तो वो क्या निकल के आएगा, तो कह रहे हैं आप देखिए इसमें दो तरह की सीरीज चल रही है। आप देखो एक सीरीज चल रही है, अगर आप नोटिस करेंगे तो एक सीरीज चल रही है, एक सीरीज आप नोटिस करोगे सिंगल ए फिर ए बी ए डबल बी ए ट्रिपल बी, मतलब एक सीरीज चल रही है ए ए बी ए डबल बी ए ट्रिपल बी एंड सो ऑन, और एक सीरीज चल रही है सी सी बी सी डबल बी एंड सी ट्रिपल बी सी सी बी सी डबल बी एंड सी ट्रिपल बी। मतलब आप कह सकते हो कि ये दो आप डिफरेंट लैंग्वेज कह सकते हो, एक लैंग्वेज आप कह सकते हो जो है वो ए के बाद कितने भी बी आ सकते हैं, एक आ के पास से सी और सी के बाद कितने भी बी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि चॉइस है आइदर ए के बाद बी और सी के बाद बी, आप चॉइस देखिएगा आइदर ए के बाद बी और सी के बाद बी। मतलब आप कह सकते हो कि जो फर्स्ट पोजिशन अगर आप देखो सभी की, अगर आप फर्स्ट पोजिशन देखिए तो यहाँ पर ए है, यहाँ का फर्स्ट पोजिशन देखेंगे तो सभी में आपके पास सी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट पोजिशन पे चॉइस आ रही है आइदर ए और सी, आइदर ए और सी फर्स्ट पोजिशन की आप चॉइस कर रहे, उसके बाद या तो बी नहीं है
या एक भी है या दो भी है या तीन भी है या चार भी है एंड सो ऑन। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो स्ट्रिंग आ गए फर्स्ट पोजिशन मांग के चले उसके बाद ये बाकी पोजिशन मांग के चले, तो फर्स्ट पोजिशन पे आपके पास चॉइस है, या तो आप फर्स्ट पोजिशन पे ए रख रहे हो या फर्स्ट पोजिशन पे आप सी रख रहे हो, उसके बाद सेकंड पोजिशन पे या तो सी भी नहीं है या एक भी है या दो भी है या तीन भी है एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अगर मैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करूँ तो आप कह सकते हो एक तो डायरेक्ट तरीका ये है, फर्स्ट पोजिशन पे चॉइस आ रही है, फर्स्ट पोजिशन पे आइदर ए और सी है। ठीक है, तो आप कह सकते हो फर्स्ट पोजिशन पे क्या है, आइदर ए और सी, जिसका कैंडिडेट किससे हो रहा है उसके बाद देखो, तो उसके बाद जो है या तो एक भी बी नहीं है या एक भी है या दो भी है तीन भी है चार भी है, ठीक है, उनसे कंकैटिनेशन हो रहा है, तो मतलब उसका कंकैटिनेशन हो रहा है कि बी क्लोज। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। मतलब हम ये बात करें तो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन आप निकालोगे तो सिंपली रेगुलर एक्सप्रेशन ये हो सकता है इसका ए प्लस सी डॉट बी क्लोजर। आप देख सकते हो कि क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपकी इस लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि आपने कंकैटिनेशन बी क्लोजर से किया है और बी क्लोजर बेसिकली राइट से कंकैटिनेट कर रहा है, तो राइट में कंकैटिनेशन अगर आप मल्टीप्लाई कर दो कंकैटिनेट कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी क्लोजर क्योंकि राइट से है प्लस सी बी क्लोजर। मतलब ये जो प्लस ऑपरेटर है ये और की तरह ऐड कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज में वर्ड्स आ रहे हैं वो या तो ए बी क्लोजर से बनने वाले आ रहे हैं या फिर सी बी क्लोजर से बनने वाले आ रहे हैं। ठीक है, ए बी क्लोजर को ओपन करोगे तो ये सीरीज मिलेगी आपको और सी बी क्लोजर को ओपन करोगे तो आपके पास ये सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये पूरी लैंग्वेज बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आपके पास ए प्लस सी डॉट बी क्लोजर। ये चीज बहुत सिंपल है, आपको इसको समझना पड़ेगा तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। हम कह सकते हैं कि ए प्लस सी और बी मतलब क्या हो गया कि इट मीन्स दैट वी हैव अ चॉइस आइदर ए और सी फॉर द फर्स्ट पोजिशन एंड देन वी चूज हाउ मैनी बीज आर देयर इंक्लूडिंग नंबर। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास एक लैंग्वेज गिवन है, आपको इसका रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करना है। लैंग्वेज आप देखिए तो इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप अगर लैंग्वेज नोट करोगे तो अल्फाबेट नोट करो सॉरी अल्फाबेट अगर नोट करो तो इसका अल्फाबेट जो है वो आपके पास है आइदर ए एंड बी। और लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज अगर आप नोट करो तो लैंग्वेज आपके पास ट्रिपल ए डबल ए बी ए बी ए बी डबल ए ए डबल बी बी डबल ए बी ए बी डबल बी ए एंड ट्रिपल बी। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, अगर आप देखो कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं इस लैंग्वेज में ऑल वर्ड्स आर ऑफ थ्री लेंथ। सभी वर्ड की अगर आप लेंथ चेक करोगे तो आपके पास थ्री लेंथ के वर्ड हैं। ठीक है, अब आप अगर नोटिस करो कि ए और बी से बनने वाले थ्री लेंथ के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं तो आपको पता है वो हो सकते हैं टू रेज़ टू पावर थ्री, दैट इज एट कॉम्बिनेशंस। सॉरी थ्री लेंथ की हम बात कर रहे हैं ना, तो दो सिंबल्स हैं और थ्री लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो जो टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो बन सकते हैं आपके पास इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया है ट्रिपल ए ए डबल बी ए बी ए बी डबल ए ए डबल बी। हाँ ये वर्ड रिपीट हो गया है। ठीक है, ये वर्ड नहीं है, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, तो अगर आप कॉम्बिनेशन चेक करोगे ठीक है ये रिपीट हो गया है ये लैंग्वेज सॉरी मैं एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख गया था इसमें। अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आपके पास है सी आर बी ए बी डबल बी ए ट्रिपल बी। ठीक है, तो टू रेशो पावर थ्री एट वर्ड्स आपके पास बन सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि इस लैंग्वेज में आप नोट करो कि सारे वर्ड्स अवेलेबल है थ्री लेंथ के,
थ्री लेंथ के सारे पॉसिबल वर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? ध्यान दीजिएगा, जब कोई ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें जो आपके पास फाइनाइट हो, पहली बात तो ये है, जो लैंग्वेज आपके पास फाइनाइट हो और उसमें एक पर्टिकुलर लेंथ के सारे वर्ड्स अवेलेबल हो, एक भी मिसिंग ना हो रहा हो, जैसे यहाँ पे थ्री लेंथ के आठ वर्ड बन सकते, तो आठों के आठ अवेलेबल हो, तो ऐसे केस में इसके रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हो सकते हैं कि आप देखोगे तीन पोजिशन हुई, ये फर्स्ट पोजिशन हुई, ये सेकेंड पोजिशन हुई और तीन पोजिशन, ठीक है। तो फर्स्ट पोजिशन पे आप देखो चॉइस है, या तो ए आ रहा है या बी आ रहा है, सेकेंड पोजिशन पे या तो ए आ रहा है या बी आ रहा है, और थर्ड पोजिशन पे या तो ए आ रहा है या फिर आपके पास बी आ रहा है। आप इसे कॉम्बिनेशन बना लो, जैसे आपने कहा कि पहले ए के साथ कॉम्बिनेशन में इन दोनों को बना दिया, तो फर्स्ट पोजिशन पर ए रखा तो इसके बाद ए आ सकता है या ए के साथ बी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कहा कि ए के साथ ये दोनों आ सकते हैं, या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है, ठीक है। तो ये बन गए। दूसरी चॉइस क्या है, ठीक है, अगर ए के साथ आपने अगर ए के साथ ए बनाया है, उसके साथ आपने ए बी बना दिया, ठीक है। तो ए के साथ ए बनाया या ए डबल ए के साथ आपने बी बनाया, ऐसी ए बी के साथ आपने ए बनाया या ए बी के साथ बी बनाया, ठीक है। चार ये बन गए, ऐसी बी से स्टार्ट करेंगे, तो बी के साथ ए, बी के साथ ए, और फिर ए के साथ ये दो है, ये और ये, ठीक है, ए और ये, ठीक है। ऐसे बी के साथ अगर बी, उसके बाद ए या फिर बी, ठीक है। तो आठ कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हो। तो आप देखो चॉइस है, फर्स्ट पोजिशन पे या तो ए प्लस बी, ए और बी आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो फर्स्ट पोजिशन पे ए प्लस बी आएगा, आइदर ए और बी, सेकेंड पे आइदर ए और बी, थर्ड पोजिशन पे आइदर ए और बी, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं कि जो इसकी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो तो आप ये लिख सकते हो, या शॉर्ट में इसको आप कह सकते हो ए प्लस बी का होल पावर थ्री। ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे में सॉल्व कर लीजिए कि आप कहो कि जैसे हम ए प्लस बी का होल क्यूब का मैथमेटिकली ओपन मत कर दीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एंड दैट करके जो मैथमेटिकली निकल के आता है, वो चीज़ नहीं है। ये सिंपल ए प्लस बी का क्यूब का मतलब होता है कि ये बता रहा है कि जो यहाँ पे पावर थ्री है, ये बता रहा है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आपको ये डिफाइन कर रहा है कि ऑल स्ट्रिंग्स आर ऑफ लेंथ थ्री, जितने भी स्ट्रिंग्स होंगी वो लेंथ थ्री की है, पावर ये बता रहा है, ठीक है। मतलब थ्री लेंथ की होंगी और चॉइस होगी, फर्स्ट पोजिशन पे या तो ए या बी में से एक आएगा, सेकेंड पोजिशन पे ए या बी में से कोई एक आएगा, थर्ड पोजिशन पे ए या बी में से एक आएगा, इनसे बनने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके पास ए प्लस बी और ए प्लस बी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप याद रखिएगा कि जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं जो फाइनाइट लैंग्वेज हो और उसमें सारे के सारे वर्ड्स एक लेंथ के आ रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे वर्ड्स एक लेंथ के आ रहे हो, तो ऐसी लैंग्वेज जो होती है, ऐसी लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो फिर उसका रेगुलर एक्सप्रेशन जितनी लेंथ होती है वो एक प्लस बी की पावर में आ जाती है। एक मैं इसको और एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास होती है, लेट्स से कहें कि आपके पास सिग्मा गिवन है, लेट्स से 0.1, ठीक है। आपने कहा इसमें कोई एक लैंग्वेज गिवन है, लेट्स से लैंग्वेज गिवन होती है ये 00 01 10 11, आपसे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन पूछा जाता है। तो आप देखो कि 01 से बनने वाला, आप देखो कि जितने भी एक तो देखो आपकी जो लैंग्वेज है वो फाइनाइट है, पहली बात जो है कि जो लैंग्वेज है वो आपके पास फाइनाइट है। दूसरी चीज़ आप नोटिस करोगे कि लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उसे एक ही लेंथ के आ रहे हैं, दो लेंथ दो लेंथ दो लेंथ और दो लेंथ, ठीक है। और आप अगर इनसे दो लेंथ के पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे और आप देखो चारों वर्ड्स अवेलेबल, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि जो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि दो लेंथ के तो बनेगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन 0 + 1 to the power, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे चॉइस है या तो 0 आएगा या 1 आएगा, सेकंड पोजीशन पे चॉइस है या तो 0 या 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 + 1 का होल पावर। इसको आप 0² + 1² + 2 = 1 करके मत ओपन कर दीजिएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी, मैथमेटिकली ओपन नहीं करना है। इसको जब आप ओपन करोगे तो वो ऐसे ओपन होगा, ठीक है। और ये कंकैटिनेशन है एक तरह से, तो ये एक तरह से ये है 0.0 तो 0 0,
प्लस 01 प्लस 10 प्लस 11, तो ये और की तरह ऐड करता है तो 00 01 10 और 11, ठीक है, ये निकल के आ गया। तो यहां से इन्होंने एक पॉइंट डिस्कस किया, अगर आप इसमें नोट करो, इफ वी वांट टू डिफाइन द सेट ऑफ ऑल सेवन लेटर्स स्ट्रिंग्स ऑल सेवन लेटर स्ट्रिंग्स ऑन एज एंड बीज वी हैव टू राइट इट ए प्लस बी टू द पावर 7, ठीक है। मतलब अगर हम दो तीन चीज समझेगा कि अगर हम कह रहे हैं कि a प्लस बी टू द पावर 4 बोलना है तो ये ऑल वर्ड्स ऑफ 4 लेंथ की बात करेगा, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं a प्लस बी टू द पावर 3 बोलूंगा तो ये ऑल वर्ड्स ऑफ 3 लेंथ की बात करेगा, 3 लेंथ की, जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा था, ठीक है। a प्लस बी की पावर अगर मैं 2 बोलता हूं तो ये ऑल वर्ड्स ऑफ लेंथ 2 लेंथ के वर्ड हो जाएंगे, ठीक है, 2 लेंथ के वर्ड हो जाएंगे, 2 लेंथ है जो आपने देखा था, डबल ए ए बी बी ए और डबल बी, ठीक है। अगर आपने बोला a प्लस बी टू द पावर 1, ठीक है, a प्लस बी टू द पावर 1 अगर मैं बोलता हूं तो ये 1 लेंथ के वर्ड की बात करेगा, दैट इज आइदर a और b, 1 लेंथ, ठीक है। इसके मतलब अगर मैं a प्लस बी टू द पावर 0 बोलूं तो वो 0 लेंथ की बात करेगा, मतलब जो ये पावर है वो लेंथ को डिफाइन करेगा, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ, ये 1 लेंथ, तो ये 0 लेंथ, मतलब ये एप्सिलॉन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो वहां से एक कंसेप्ट की बात करते हैं कि अगर मैं a प्लस बी टू द पावर एस्ट्रिक बोलूं तो ध्यान दीजिएगा एस्ट्रिक का मीनिंग हर सेम ही, एस्ट्रिक का मतलब होता है लेंथ, कौन सी लेंथ, 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ एंड सो ऑन, 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब ये एक तरह से है a प्लस b टू द पावर 0 यूनियन a प्लस b टू द पावर 1 यूनियन a प्लस b टू द पावर 2 यूनियन a प्लस b टू द पावर 3 यूनियन सो ऑन, मतलब 0 लेंथ एप्सिलॉन, 1 लेंथ ए बी, 2 लेंथ डबल ए बी बी ए डबल बी, 3 लेंथ ट्रिपल ए बी ए एंड सो ऑन, क्या बन रहा है, ध्यान दो क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है ए प्लस बी होल स्ट्रिक का मतलब पावर में अगर आप एस्ट्रिक यूज करते हो, ठीक है, पावर में अगर आप एस्ट्रिक यूज करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये इट डिनोट्स ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एनी लेंथ ऑन ए एंड बी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, मतलब ये एक तरह से सभी लेंथ की स्ट्रिंग की बात करता है, मतलब अगर हम कहें तो अगर अल्फाबेट आपके पास ए कॉमा बी है तो ये एक तरह से क्लीन क्लोजर है, ठीक है। If we want to refer to the set of all possible strings of A's and B's of any length whatsoever, we could write A plus B to the power S string. ठीक है? ऐसी अगर मैं बात करूँ A plus B to the power plus, तो epsilon हटा दीजिएगा, वो एक तरह से हो जाएगा A B A B B A, मतलब two length के सारे, ठीक है? मतलब वो clean plus की तरह ऐड करता है। कहने का अर्थ है कि अगर हम a प्लस बी की पावर होल स्ट्रिंग यूज करते हैं तो वो सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स a और b पे बनने वाली को डिनोट करेगा इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, ठीक है। तो आज की थ्योरी को मैं यही समाप्त करता हूँ, अगले लेक्चर में हम इसके दो न्यूमेरिकल देखेंगे, और फिर हम बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन की। धन्यवाद दोस्तों।